तो दोस्तों WWE में आपको फिर एक बार रेसलमेनिया देखने में मिलेगी, और रेसलमेनिया में आपको जैसे देख सकते हो कि कॉडी रोज और रोमन रेल का मैच अगेन होगा, और इन दोनों का मैच ऑलरेडी पहले का ही फिक्स हो चुका है। और इतना भी मैं आपको पहले ही प्रडिक्ट करके बता देता हूँ कि कॉडी रोड ये मैच 101% जीतेगा, क्योंकि रोमन रेन को कंटिन्यू 4 साल हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कॉडी रोड ने अच्छा चैलेंज दिया था रोमन रेन को, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो, और आप ये भी कह सकते हो कि भाई कॉडी रोज ने अच्छा कमबैक किया है। और रोमन रेन को भी थोड़ी सी चिंता है कि वो शायद ये मैच हार जाएंगे, और मैं इतना कह सकता हूँ कि कॉडी रोज ये मैच 101% जीत सकता है। और ये देखिए आपने जो उन्होंने चैलेंज दिया था इसको, वो चैलेंज वो दिया था वो भी ज़बरदस्त चैलेंज था, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कॉडी रोड ये वाला मैच जीतेगा ही जीतेगा भाई, कोई उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि वो पहला ऐसा शख्स है जैसे हल्क होगन है, ये पहला ऐसे शख्स थे जो 2000 से पहले के जो होते थे वो 1997 में ये पहले थे जिन्होंने 2 बार रॉयल रंबल जीती थी। और उसके साथ स्टीव ऑस्टिन, ऑस्टिन ने भी 2 बार रॉयल रंबल जीती हुई है, और ऐसा कारनामा करने वाले और कोई भी प्लेयर नहीं है, हल्क होगन और ये स्टीव ऑस्टिन है। और स्टीव ऑस्टिन के साथ साथ ही वो माइकल शॉन है, ये भी भाई ऐसे प्लेयर थे जो अपने टाइम का अच्छे खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 बार रॉयल रंबल जीती थी। और नेक्स्ट हमारे वो हैं जिन्होंने 2022 और 2024 में रॉयल रंबल जीती है, जिसका नाम भाई कॉडी रोज है। और भाई ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा भाई, मैं अच्छे से अच्छे फैक्ट लाने की कोशिश करूँगा वीडियो में।